मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे हमारे क्लास 12 फिजिक्स में लेक्चर नंबर 7 में हम पढ़ेंगे रियल एंड अपेरेंट डेप्थ ऑफ अ टैंक। अगर हमारे पास एक वाटर टैंक है या एक स्विमिंग पूल है या इस तरीके से कोई है, उसके नीचे अगर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा होता है, कई बार कॉइन पड़ा होता है या कई बार कोई ऑब्जेक्ट पड़ा होता है, हमने देखा है, तो वो अपने जो उसका जो एक्चुअल डेप्थ है उससे थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, कई बार हमने नोटिस किया। तो ऐसा क्यों होता है? इट इज अगेन बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। अभी हमने रिफ्रैक्शन पढ़ा है लाइट का। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से क्या होता है, जो एक्चुअल डेप्थ है उसका, जहां पे स्विमिंग पूल कई बार स्विमिंग पूल का जो डेप्थ एक्चुअल होता है, कई बार हमें उससे वो कम डेप्थ दिखाई देता है या शैलो दिखाई देता है, या कोई ऑब्जेक्ट अगर यहां रखा हो तो वो थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो वह ऐसा क्यों होता है? तो ये हमारा आज का टॉपिक है। टॉपिक है रियल एंड अपेरेंट डेप्थ ऑफ अ टैंक। फॉर एग्जाम्पल, कोई अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो या कोई ऑब्जेक्ट नहीं भी हो, ऐसे ही अगर हम एक पूल को देखें तो हमें दिखता है कि पूल थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है। तो ऐसा क्यों होता है, हमें यह समझना है आज। तो हम स्टार्ट करते हैं। दिस इज एक्स वाई, ये हमारे पास, हम यहीं से पढ़ते हैं, देखते हैं। अ वाटर टैंक अपीयर्स शैलोअर, दैट इज लेस डीप देन व्हाट इट एक्चुअली इज। वाटर टैंक हो या स्विमिंग पूल हो, तो वो जितना गहरा एक्चुअली में होता है उससे थोड़ा कम दिखाई देता है। ऐसा क्यों दिखाई देता है? दिस इज बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब ऐसा क्यों होता है हम समझेंगे, ठीक है। सपोज ओ इज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट एट एन एक्चुअल डेप्थ, ओ ए बिलो द फ्री सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है, एक्स वाई इन ए टैंक। जैसे हमारे पास एक्स वाई क्या है, ये वाटर का बिल्कुल टॉप वाला सरफेस है, जैसे स्विमिंग पूल में हो या कोई भी वाटर टैंक भी हो सकता है। तो ओ एक पॉइंट है, इसका डेप्थ में पॉइंट है। तो इस यहां पर कोई, लेट्स से कोई ऑब्जेक्ट है, अब लाइट क्या करेगा, डेंस, दिस इज द डेंसर मीडियम वाटर, ये वाटर है नीचे हमारे पास, चाहे हम टैंक अज्यूम कर लें या स्विमिंग पूल अज्यूम कर लें या वट एवर वी वॉन्ट टू अज्यूम। तो वाटर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, इस तरीके से हमारे पास है, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो लाइट है, O is a point object at an actual depth OA. OA जो है ये actual depth है इस, ठीक है, water tank का। अब क्या है, a ray of light from O. O से एक light जाएगा, denser medium से, rarer medium से, जो ray normal जाता है वो तो एकदम सीधा चला जाता है, हमने पढ़ा हुआ ये चीज, उसमें deviation नहीं होती। लेकिन अब क्या है, a ray of light from O incident at angle I. ये ray ऐसे चल के ऐसे जा रहा है, इस एक आई एंगल पे इंसिडेंट हो रहा है, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर ये एंगल आई है तो ये भी एंगल आई होगा, अल्टरनेट एंगल, ठीक है। तो रे ऑफ लाइट फ्रॉम ओ इंसिडेंट एट एंगल आई ऑन एक्स वाई अलोंग ओबी, तो ये इट इज गोइंग अलोंग ओबी। नाउ व्हाट हैपेंस, डिविएट्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, डेंसर से रेयर में जाएगा तो इट विल डिविएट्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इट इज रिफ्रैक्टेड एट आर, तो ये आर एंगल, आर दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, अलोंग दिस इज बी सी, ये ऐसे जा रहा है ऑन प्रोड्यूसिंग बैक बी सी। जब ये जो बी सी है, अगर यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर हो तो वो यहां से अपना जो आई है उसको लगा के देख सकता है, सपोज दिस इज एन ऑब्जर्वर ओवर हियर, तो वो देखेगा तो ऐसे देखेगा, तो जब वो देखेगा तो उसको दिखाई देगा कि ये जो बी सी, ये जो रे है, इसको अगर हम दूसरे साइड पे प्रोड्यूस करें तो इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम द पॉइंट आई, rather than coming from this point, it appears to coming that it is coming from I. तो ऐसा होता है, on producing back, BC meets OA, ये जो OA है, कहाँ पे meet करता है? I पे meet कर रहा है। तो therefore the apparent depth AI, हमें लगता है कि ये जो ray है, ये इस point से आ रहा है, ना कि इस point से। तो हमें दिखाई देता है कि actual में depth इतना है, लेकिन हमें दिखाई देता है कि depth इतना है। आगे ये बात समझो, therefore the apparent depth AI which is less than the real depth OA. तो हमारे पास apparent depth ये है, real depth ये है। अब हम relation समझेंगे कि real depth क्या है, apparent depth क्या है, और medium का refractive index, the relation between the real depth, apparent depth and the refractive index of the medium, उसका एक relation है। अगर water है तो water के case में क्या होगा, water की जगह कोई दूसरा medium भी हो सकता है, denser medium, या हो सकता है कि glass हो, या हो सकता है कि कोई दूसरा medium हो, कोई ऑयल हो, तो उसके केस में क्या होगा, हमारे पास क्या रिलेशन है और हम कैसे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, क्लियर है। तो अभी मैंने बताया था कि दिस एंगल, ये जो एंगल है हमारे पास ए ओ बी, दिस इज ए ओ बी,
दूसरा हमारे पास एंगल क्या है, ओ बी एंड डैश, ओ बी एंड डैश हमारे पास क्या है, ओ बी एंड डैश, दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये दोनों एंगल आई है, दैट इज ऑल्टरनेट एंगल, क्लियर है, इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट एंगल होंगे। उसके बाद हमारे पास क्या है, ए आई बी, ए आई बी हमारे पास, ए आई बी, ये आर है और ये आर है, ये दोनों एंगल्स कैसे होंगे, ये स्ट्रेट लाइन है और ये दोनों ट्रांसवर्सल भी कैन ट्रीट कर सकते हैं, दीज टू लाइंस कैन बी ट्रीटेड एज ट्रांसवर्सल एंड दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, तो दिस एंगल एंड दिस एंगल, दीज टू आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। अब हमारे पास दो ट्राइंगल हम ले सकते हैं, इन ट्राइंगल ओ ए बी, हमारे पास ट्राइंगल है ओ ए बी, ठीक है, ओ ए बी हमारे पास ट्राइंगल है, इसमें हम क्या ले सकते हैं, साइन आई, आई साइन थीटा क्या होता है, हमेशा साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, दिस इज एंगल, ये 90 डिग्री है यहां पे, तो दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस अपॉन ओबी, तो हमारे पास ये क्या, दूसरा ट्रायंगल हमारे पास आई ए बी, दिस इज आई, दिस इज ए बी, इस ट्रायंगल में भी हम क्या ले सकते हैं, साइन आर हमारे पास ये है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर इज ए बी, हाइपोटेनस हमारे पास आई बी। अब क्या हो रहा है, हम देख सकते हैं, एज लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम वाटर टू रेयर मीडियम एयर, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ लाइट हमारे पास जा रहा है, तो उसमें हम क्या लिख सकते हैं, हमने स्नेल्स लॉ पढ़ा हुआ है, स्नेल्स लॉ क्या पढ़ा हुआ है, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रेस्पेक्ट टू मीडियम वन, हम लिख सकते हैं, अगर मैं इसको रब कर दू, इसकी हमें जरूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे यहां पे, वी आर अप्लाइंग दिस स्नेल्स लॉ एक्चुअली, तो स्नेल्स लॉ से हमारे पास ये रिलेशन आ सकता है, कैसे आ सकता है जरा हम देखें, हमने पढ़ा हुआ है साइन, फ्रॉम स्नेल्स लॉ साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम वन, तो हमारे पास जब लाइट यहां से जा रहा है ऐसे करके, तो इंसिडेंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, इसको हम लिख सकते हैं साइन आर बाई साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू, टू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ये पहला मीडियम, ये दूसरा मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो दिस थिंग कैन बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रेस्पेक्ट टू वाटर। अगर इसको हम रेसिप्रोकल कर दें, इसको हम ऐसे लिखें साइन आर डिवाइड बाई साइन आई, तो ये चीज भी रेसिप्रोकल हो जाता है, That is refractive index of water with respect to air. ये लिख सकते हैं हम, तो यही चीज हमने यहां लिखा है, refractive index of water with respect to air can be written as sin r by sin i. अब sin r और sin r का value मैंने put कर दिया है, sin r का value था ab by ib और sin i का value ab by ये नीचे है, तो reciprocal हो जाएगा, हमारे पास this and this will get cancelled, we are left with ob upon IB. अब हम क्या कह रहे हैं, अगर ये जो एंगल है, ये एंगल कोई बहुत ज्यादा नहीं होता, अगर एंगल स्मॉल है तो वी कैन अज्यूम दैट बी इज वेरी क्लोज टू दिस, तो ए बी, ए ओ से बी का जो डिस्टेंस है, इट कैन बी ट्रीटेड एज ओ ए, और हमारे पास तो हम क्या लिख सकते हैं, ओ बी कैन बी रिटन एज, ये जो ओ बी है, ओ बी कैन बी रिटन एज ओ ए एंड आई बी कैन बी रिटन एज आई ए, तो हमने ये लिखा है, ओ बी की जगह हमने ओ ए लिखा है और आई बी की जगह हमने आई ए लिखा है, तो दिस थिंग कैन बी रिटन एज ओ ए इज द रियल डेप्थ एंड आई ए इज द अपेरेंट डेप्थ, तो दिस थिंग कैन बी रिटन एज एक्स और वाई, एक्स हमने अज्यूम किया इसका रियल डेप्थ, अपेरेंट डेप्थ को अज्यूम किया वाई, तो हम ये लिख सकते हैं, नाउ दिस थिंग कैन बी रिटन एज, नाउ वाई कैन बी रिटन, इस वाले टर्म को अगर मैं वाई इधर ले जाऊं और इसको इधर लेके आ जाऊं, तो वाई कैन बी रिटन एज एक्स डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू ए। अब ये हमें पता है कि अगर वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू एयर होता है 4/3, अगर हम वाटर हो, क्योंकि यहां पे वाटर है, हमारे पास टैंक है, टैंक में वाटर है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर इज 4/3, अगर मैं इस रिलेशन में यहां पे 4/3 पुट कर देता हूं, तो वाई इज इक्वल टू एक्स बाई 4/3, तो वाई क्या है हमारे पास अपेरेंट डेप्थ, एक्स क्या है रियल डेप्थ, तो y is 3/4 of x, हमारे पास एक रिलेशन निकल के आ जाता है, that relation is, that is the apparent depth is only 3/4 of the real depth of the tank of water, अगर वाटर है तो apparent depth 3/4 of the real depth होगा, लेकिन अगर वाटर की जगह कोई और मीडियम हो तो क्या करेंगे हम, तो हमारे पास जो रिलेशन हम यूज करेंगे, that is the refractive index is equal to
तो हम रिलेशन यूज करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ। हमारे पास हम ये लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ। ये हमारे पास एक रिलेशन है, ठीक है। यहां से हम क्या लिख सकते हैं, अगर हमें अपेरेंट डेप्थ चाहिए, दीज आर दी टू रिलेशन, अगर हमें वी नीड अपेरेंट डेप्थ कैन बी रिटन एज रियल डेप्थ को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर दो, रियल डेप्थ डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो मीडियम अगर कोई और हो तो वी आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला और दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये बात क्लियर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन बी रिटन एज रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ। तो रियल डेप्थ, अपेरेंट डेप्थ और मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये रिलेशन है हमारे पास, वी कैन यूज दिस। अगर वाटर की जगह कोई और मीडियम, अगर वाटर हो तो सीधा सीधा वाई इज थ्री बाई एक्स, एक्स इज द रियल डेप्थ। वाटर की जगह कोई और मीडियम हो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज रियल डेप्थ डिवाइडेड बाई दी अपेरेंट डेप्थ। तो अपेरेंट डेप्थ हमारे पास क्या आएगा, रियल डेप्थ डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। और कोई भी मीडियम हो अदर देन वैक्यूम, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा ही वन से ज्यादा होता है। तो वन से ज्यादा होगा का क्या मतलब, अपेरेंट डेप्थ हमेशा ही रियल डेप्थ से छोटा होगा, लेस देन रियल डेप्थ होगा। आई थिंक ये बात क्लियर है। इसके बाद हम एक और चीज पढ़ेंगे यहां पे, द क्वेश्चन इज व्हाट इज नॉर्मल शिफ्ट, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर इट। इसी के साथ व्हाट इज नॉर्मल शिफ्ट, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर इट। ठीक है, ओके, हम इस क्लास में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे।